अपना विश्वसनीय न्यूज चैनल राष्ट्रीय नवाचार। अपन छाव में खड़े हो जाए, इतने नहीं हमारी उसके बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं होती है और आज वो गोरख के पीछे माहौल कहीं खराब करा था सदन में। एक बात सुनो, हम तो शांतिपूर्वक ही आए आपसे मिलने के लिए। एक बात सुनो, हम तो चढ़ चढ़ के बोल रहे थे। मेरी बात भी तो सुनो, मेरे पास यदि धंधे अच्छे शब्द है तो मैं तो आपको दूंगा। एक मिनट, महिला तो किसी के पास धंधे शब्द है तो धंधे ही मिलेगा ना, फिर आएगा ना तो सॉल्व करने के लिए अपन। और वो साथी दो ने उठाए जबरन नाम दिखाई ना पहली खाने चार बार आ गया तो अधिकारी आ रहे हैं। सारी बात हो सारी बात है, जो भी बात है सब पे बात होगी। मेरे घर के लिए जो मीडिया की रिपोर्ट लिखाना है उसे मारा पुलिस वाले पर उनके खिलाफ कुछ नहीं करा। मेरे पास वीडियो है, क्या झूठ बोल रहे, क्या झूठ, क्या झूठ बोल रहे। जो है वो हरियाणी था उसके साथ मारने के लिए राजी को पकड़ो। गोली चलेगी तो ठीक है, लेकिन किसी लेडीज को रंगी रंगी गाली लगी रोड पे चौराहे पे उसने काजी ने इतना बड़ा हो गया वो अभी काजी की औरत है तो इतना बड़ा हो गया वो रोड पे लेडीज को रंगी रंगी गाली लगी। और हम लोग अगर हम वहाँ होते नहीं तो उसकी मुंडी काट के देख देते। गोली चलाने बाद किसने दिया होता कौन है जो पुलिस को कलवे चाटने वाला कहता है हमारी माँ बहनों के साथ इतना अत्याचार हो रहा है उसको कोई कहने वाला नहीं। बयान आए हैं उसके पहले वाला वीडियो आप देखो, आपके प्रशासन को बोल रहा है वो कि प्रशासन कलवे चाटता है तो प्रशासन को कैसे बोल सकता है। पहले बात तो और जो बात आती की अगर औरत को छेड़ी या जो भी बात है उसका निर्णय जांच पुलिस करेगी। ये कौन होते हैं तो काजी वहाँ पे मल्हार पे गाली दे रही है सबको, महिलाओं को, हिंदू महिलाओं को प्रशासन को उसने पाँव में दबा रखा है। तो काजी होता कौन है प्रशासन को हिंदू समाज को गाली देने वाला। हम आपकी भी बात कर रहे हैं, प्रशासन के ऊपर उंगली उठाई सर, मेरी बात सुनो। कोई भी बात हुई है सर, कोई भी बात हुई है हमें रोकने हाथ का फैसला करने वाले उनके लिए कार्रवाई करेंगे, उनके लिए करेंगे और हमारे लिए कर दी। एफआईआर तो हो गई ना, चलिए हो गई ना, एफआईआर तो हो गई ना। आप पहले से
सर उसके बिहार लाइसेंस अपने इस विषय में एक बार पहले भी उन्होंने ऐसी गोली वगैरह चलाई थी और इनकी मस्जिद पूरा प्रशासन को बोलता है कि तलवे चाहते हो आप क्या कार्रवाई होने वाले प्रशासन को प्रशासन तलवे चाहता है ऐसे शब्द किसे बोले प्रशासन को बोलने वाले आप भी बैठे हो आप सबके सामने बोला उसने शासन के अधिकारी शासन का अधिकारी महाराज भी हुए उस पे शासन की सबसे बड़ी एसपी साहब महाराज भी खड़े हो गए थे किसी बात कर रहा है किसान राणा जो चुनाव लड़ा था वहां से बाली घोषी जी के साथ जय शिवा सरकार की जय शिवा सरकार की जय राणा प्रताप की संगठन में शक्ति है संगठन में शक्ति है जय सियाराम जय सियाराम निरस्त करो बंदूक के लाइन से निरस्त करो निरस्त करो निरस्त करो झूठे मारो झूठे मारो अरे घास तोते को लाए वो मुर्दाबाद 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 शिवा सरदार की जय राणा प्रताप की जय शिवा सरदार की जय राणा प्रताप की जय सियाराम जय सियाराम संगठन में शक्ति तेरी तानाशाही नहीं चलेगी नहीं चलेगी काजी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी नहीं चलेगी काजी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी नहीं चलेगी पर एफआईआर दर्ज करी ये 8 लोगों पर एफआईआर एक बलवे का प्रकरण बताती है और वस्तु स्थिति ये है कि वहाँ पर ऐसी कोई घटना नहीं हुई है और वहाँ पर उन्होंने गोली चलाई है चौराहे पर सार्वजनिक रूप से वहाँ के हिंदू एक मिनट आताराम वहाँ के हिंदू समाज को डराने के लिए इतना ही नहीं जब आज वहाँ पर संख्या इकट्ठी हो रही थी तो अनवर नाम के व्यक्ति ने आज भी इन महिलाओं के साथ में डराने धमकाने की कोशिश करी आज पूरा हिंदू समाज और सभी लोगों की ओर से संगठनों की ओर से हम यहाँ पर अपने ज्ञापन देने के लिए आए हैं अर्जुन जी चौधरी माखनदादा हमारा नेतृत्व कर रहे हैं अर्जुन जी इस ज्ञापन में क्या लिखा है वो पढ़ेंगे और हम एक बार इकट्ठा नहीं हुए बार बार इकट्ठा होंगे माननीय सीएसपी साहब और सभी को ये हम आगाह करना चाह रहे हैं कि यदि संख्या बल से एफआईआर होगी तो शहर के जितने भी थाने हैं उन सब थानों में उतनी संख्या इकट्ठी करेंगे हम चक्का जाओ इससे पहले
हमारा हिंदू समाज डरा हुआ है। कल जो आप कल प्रशासन कह रहा है कि गोली नहीं चली, सब बातें होंगी हमारे पास। आप हमारे दबाव में तो बोल नहीं रहे हैं है ना, किस और जो गोली चली या नहीं चली हमारे सामने ही हुई। कल मैं घर में लेटा हुआ था तो मतलब वहाँ से वो लड़का के बाबा भिखारी साहब थे। थोड़ा शांति रखो ना। परमीना दुकान पे खड़ी थी और उन्हें बच्चे घुमा रही थी ऐसे, तो वो अनुभव और एक साथी वाले दोनों आए और उनके वीडियो बना रहे। मैंने कहा वीडियो क्यों बना रहा है, तो बोले तुम्हारे बहुत बड़ पड़ गई है कि मतलब कर आवेदन उसके सीट से भी वहाँ चेक कर सकते हो क्या, जो वीडियो बना रहा था भैया मेरा तो वीडियो बना और भाई साहब अभी तो एक कंडीशन है दो ढाई सौ जन अभी एक भी दो ही पड़े हैं। चाल घर की चाबी सामने इसका मैं पूरा मतलब आपको थोड़े से शब्द बता रहा है कि वो जो मौलाना जी थे वो कहीं निकले, उनके घर से वो विशेष निकली तो उनने क्या किया कि मेरे को छेड़ दिया। तो उनने पूछा एक असल नहीं आया हमारा, उनने पूछा कहाँ छेड़ दिया, इधर यहाँ छेड़ दिया, कोई नहीं छेड़ दिया, फिर उधर पीछे छेड़ दिया। जो आज जो घटना हुई है, आज भी सुबह उन्होंने महिलाओं के साथ अभद्रता की है, प्रशासन वही था, आज भी घटना हुई है, इस पे एफआईआर होना चाहिए। अरे क्या महिला के साथ छेड़छाड़ की घटना होने पर शहर खुद को कानून का ज्ञान रखते हैं और आप पुलिस उपस्थित होकर अपनी पत्नी के मध्य रिपोर्ट दर्ज की कार्रवाई जाने दी, किंतु शहर काजी द्वारा किए गए व्यवहार और उसके साथ उपस्थित असामाजिक तत्वों के द्वारा जिस प्रकार का वातावरण क्षेत्र में निर्मित किया गया वह एक सोची समझी रणनीति होना प्रतीत हो रही है। किसी प्रकार की औरतें हमने नहीं देखी क्या, जो हम जाके वहाँ पे औरतों को छेड़ने के लिए जाएंगे, और इस प्रकार की घटना केवल हिंदू समाज को डराने के लिए, और इसका कोई उद्देश्य नहीं, ताकि वहाँ पर जिस प्रकार का हिंदू समाज वहाँ जो खड़ा है, हमारा एक मंदिर है, उस मंदिर को बनने नहीं देने की घटना, और भी अपना समाज जब वहाँ पर मंदिर बनाता है तो उन मंदिरों को जैसे तैसे रोकना, कैसे भी प्रकार के तरह तरह से आवेदन देना, तरह तरह से हमारे सक्रिय लोगों को फंसाना, हम सब लोग थोड़ी गंभीरता रखें, जब तक एसपी साहब नहीं आएंगे तब तक हमारा आंदोलन नहीं करेंगे। सब लोगों को थाने का घेराव किया और क्या उनकी मांग थी और क्या कार्रवाई हुई है? कल दिनांक को एक घटनाक्रम घटित हुआ था जिसमें कि क्रॉस एफआईआर हुई थी, उसके दशमेश पदाधिकरण आए थे और उनके कई तरह के विषय थे, क्षेत्र विशेष के बारे में पूर्व की समस्याएं थी वो भी उनके द्वारा बताई गई, और आज सुबह जो घटनाक्रम हुआ उसके बारे में भी उनके द्वारा बता दिया गया है कि पुलिस ने सभी संज्ञान में लिया है और जो वैधानिक कार्रवाई है उसको निश्चित किया जा रहा है। उसके बारे में सीसी फुटेज देखे जा रहे हैं और अन्य कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है, ऐसा भी आगे एविडेंस आएगा तदनुसार कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे। अच्छा, क्योंकि उनकी मांग बार बार होंगी कि एक समुदाय द्वारा कल वहाँ पे अराजकता भी फैलाई गई और कहीं ना कहीं शासन के कान के बारे में जो भी एविडेंस आ रहा है, आपराधिक रिकॉर्ड के बारे में, तो पूर्व से लगातार कार्रवाई कर रहे हैं, सख्त वैधानिक कार्रवाई करेंगे, प्रतिबंधक कार्रवाई करेंगे, और कोई भी ऐसी बात है
सामजन के बीच में भी पुलिस संवाद करेगी, बाकी सब चीजें सुनिश्चित की जाएगी। थैंक यू।